आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी गूगल एड कैंपेन का जो एड का शेड्यूल है उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने गूगल का जो एड्स का जो डैशबोर्ड है वो ओपन कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, कैंपेन्स पे आएंगे और दोबारा कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे। अब आपको जिस भी कैंपेन के शेड्यूल में बदलाव करना है उस कैंपेन के नाम पे से क्लिक करेंगे। इस तरीके से इस कैंपेन का एड ग्रुप खुल जाएगा। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे यहाँ और फिर थोड़ा यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ साइड में लिखा होगा ऑडियंस कीवर्ड्स एंड कंटेंट, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ एड शेड्यूल, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अभी ये बता रहे हैं कि जो मेरी एड कैंपेन मैंने बनाई हुई है इसका ऑल टाइम हर समय के लिए इसमें एड्स दिखाए जा रहे हैं। ठीक है ना, इसमें कोई शेड्यूल इसमें मैंने नहीं सेट किया हुआ है कोई भी शेड्यूल, लेकिन मैं इसमें शेड्यूल ऐड करना चाहता हूँ तो कैसे होगा, स्क्रॉल करूँगा और यहाँ दबाऊँगा एडिट ऐड शेड्यूल। अब आपको अपने हिसाब से चुनना है कि आप इसमें क्या शेड्यूल ऐड करना चाहते हैं। ऑल डे मंडे टू फ्राइडे ऐड चले, सैटरडे संडेज चले, या फिर सिर्फ मंडेज़ को, सिर्फ ट्यूजडेज़ को, अपने हिसाब से चुनेंगे। जैसे मैंने मंडेज टू फ्राइडे चुना और किस टाइम तक चले, किस टाइम से लेके किस टाइम तक ऐड चले, आप ये भी चुन सकते हैं। फिर जब आप चेंज कर लेंगे फिर सेव दबा देंगे तो आपकी जो शेड्यूलिंग है ऐड की वो आपके हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना, थैंक यू।